गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस बेटे आप पहले ही ऑलरेडी कर चुके हुए हो आज हम करेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वैसे क्लास में आपकी जो प्रैक्टिस बुक है ना उसमें तो हम कर चुके हैं जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत सारी लिस्ट थी वो बुक में अवेलेबल थी लेकिन ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स बहुत सारे वर्ड्स आपकी बुक में नहीं थे इसलिए इनकी एक लिस्ट मैं आपको सेंड कर रही हूँ और साथ में समझा रही हूँ बेटा आपने इन लिस्ट को ये सारे वर्ड्स कॉपी पे लिख लेने हैं और एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के समझ भी लेने मैं बोल रही हूँ सेंटेंसेस अब जैसे इसका सबसे पहला एडजेक्टिव होता क्या है एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन्स की क्वालिटी क्या है नाउन कैसे हैं राइट नाउन्स तो पता है ना नेमिंग वर्ड्स ऑल नेमिंग वर्ड्स तो उनको डिस्क्राइब करें जैसे फर्स्ट वर्ड है इसमें एक्यूरेट एक्यूरेट होता है बिल्कुल ठीक करेक्ट माई सम इज एक्यूरेट सम की सम नाउन है ना तो उसकी क्वालिटी क्या हो गया एक्यूरेट उसी तरह दूसरा है एग्रीएबल तो एग्रीएबल होता है जिससे हम एग्री करें मान जाएं जिस बात को उस तो कोई भी एक सेंटेंस हम बना लेते हैं दिस स्टेटमेंट इज एग्रीएबल मैं जो भी स्टेटमेंट मैंने बोली है वो एग्रीएबल है तो स्टेटमेंट नाउन है इसलिए एग्रीएबल उसकी क्वालिटी है तो एडजेक्टिव है अफेक्शनेट अफेक्शनेट माए मदर इज वेरी अफेक्शनेट तो मदर की क्वालिटी हो गया ना मदर नाउन अफेक्शनेट एडजेक्टिव एम्बिशियस आई एम वेरी एम्बिशियस आई क्या है प्रोनाउन नाउन की भी क्वालिटी बताता है और ये प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताता है तो ये आई की क्वालिटी बता रहा है कि मैं कैसा हूं एम्बिशियस हूं अप्रोचेबल अप्रोचेबल होता है जहां तक पहुंचा जा सके तो क्या बोलेंगे माई फादर इज इजिली अप्रोचेबल पापा तक आराम से पहुँच सकते हैं ना या कोई भी प्लेस का नाम लो इज माई स्कूल इज ईजिली अप्रोचेबल तो ना उनको डिस्क्राइब कर रहा है आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट मीन्स कोई भी ऐसे कोई भी राइटिंग टास्क कोई भी चीज़ माई टॉपिक इज वेरी आर्टिकुलेट आर्टिस्टिक माई सिस्टर इज वेरी आर्टिस्टिक ब्रेव I am very brave, calm. This place is very calm, शांति वाला. Cautious, cautious होता है जो ध्यान से काम करे, alert रहे. I am very cautious when I, when it is dark, जब देरा होता है. Careful. I am very careful. My mother is very careful, जो ध्यान से काम करे ना. आगे charming. My sister is very charming. Cheerful. आई ऑलवेज रिमेन चेयरफुल मैं हमेशा खुश रहता हूँ इसी तरह कंसिडरेट कंसिडरेट होता है जो दूसरों की बात को समझे आवर टीचर इज़ वेरी कंसिड्रेट कंटेंटेड कंटेंटेड वर्ड टॉपिक में भी लिखवाया था ना मैंने जो सेटिस्फाइड रहे वी शुड बी कंटेंटेड विद वाट वी हैव जो हमारे पास है उससे हमें कंटेंटेड रहना चाहिए कल्चर्ड कल्चर्ड होता है जो वेल well मैनर्ड होता है बड़ा अच्छा सिविलाइज वी शुड बी कल्चर्ड या ज चिल्ड्रन आर कल्चर्ड छोटे छोटे सेंटेंसेस बिल्कुल ज़्यादा लंबे नहीं करने हमने जिससे हमें वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए डिस डिसाइसिव होता है जो डिसीजन ले ले माय फादर या दिस स्टेटमेंट इज डिसाइसिव लास्ट डिसीजन वाली जो स्टेटमेंट होती है ना पूरा कंक्लूजन वाली उसको डिसाइसिव बोलते हैं डिपेंडेबल डिपेंडेबल होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहे ओल्ड पीपल आर डिपेंडेबल ऑन देयर चिल्ड्रन बच्चों पे डिपेंड करते हैं ना डायनेमिक डायनेमिक होता है जो बड़ा एनर्जेटिक हो माई फादर इज वेरी डायनेमिक डायरेक्ट डायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट आई माई दिस आई राइट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच स्पीच नाउन है ना तो उसका फिर क्वालिटी क्या हो गई डायरेक्ट स्पीच है फिर आगे डिसकंटेंटेड कंटेंटेड किया था ना ऊपर तो डिसकंटेंटेड जो कंटेंटेड नहीं है वी शुड नेवर बी डिसकंटेंटेड डिलाइटफुल मीन्स हैप्पी वी शुड ऑलवेज रिमेन डिलाइटफुल आगे डिटेल्ड दिस आर्टिकल इज डिटेल्ड या दिस इज अ डिटेल्ड आर्टिकल डेडिकेटेड डेडिकेटेड होती जब कोई क्वालिटी कि वो अपने काम को बड़ी मेहनत से बड़ी समर्पण से करता है तो आई एम डेडिकेड टू माई डेडिकेटेड टू माई वर्क मैं अपने काम पर समर्पित हूँ डिटर्मेंट डिटरमिन्ड वाई डिसाइसिव डिसीजन ले लिया हमने पक्का काम करना ही है आई ऑलवेज रिमेन डिटर्मेंड ऑन माई डिसीजन डेजलिंग डेजिलिंग होता है चमकदार माई रिंग इज डेजलिंग फिर फ्लैक्सिबल फ्लेक्सीबल जो जल्दी से चेंज हो जाता है, We, our nature या आवर टेम्परामेंट शुड बी flexible। हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए फ्रेंडली माई फादर इज फ्रेंडली विथ मी फन ही दिस टास्क इज फुल ऑफ फन फन नहीं सॉरी फन नहीं है ये मिस प्रिंट है यहाँ पे फनी फनी वो गलती वर्ड नाउन भी लिखा गया बीच में फनी दिस एक्टिविटी इज फनी हिज एक्टिविटी इज फनी फुल ऑफ फन जेनरस जेनरस होता है जो दूसरों के साथ जेनरोसिटी दिखाए काइंड जिसको बोलते हैं हम तो माई फादर इज वेरी जेनरस जेंटल माई फादर इज वेरी जेंटल ग्रेट ग्रेट पीपल डी डू ग्रेट डीड्स अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं बड़े लोग बड़े काम करते हैं आगे जनरस रिपीट हो गया हार्ड वर्किंग एन एन जी ने लिखा हुआ बेटा वो आप लिख लेना हार्ड वर्किंग आई एम वेरी हार्ड वर्किंग माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग माई सिस्टर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग हैप्पी वही डिलाइटफुल वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी हेल्पफुल वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल

तो ये हो गई एक लिस्ट एडजेक्टिव्स की ये आपने लर्न कर लेनी है इन्हीं में से एग्जाम्स में आपको आएंगे कि आपको ये एक नाउन आ जाएगा उसका एडजेक्टिव बनाओ राइट अब उसके बाद हमने एडवर्ब करने हैं एडवर्ब क्या होते हैं तो एडवर्ब क्या एडवर्ब बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं या वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं मोस्टली इनकी एक रिकगनेशन क्या है कि मैक्सिमम जो एडवर्ब्स हैं वो एल वाई वाले होते हैं जैसे ट्रूली काम कैसे करते हैं आई डू माई वर्क ट्रूली आई डू माई वर्क ट्रूथफुली आई रीच ड स्कूल अल्टीमेटली सारे एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना अनअकाउंटेबली अनअकाउंटेबली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं वी शुड नॉट डू आवर वर्क अनअकाउंटेबली

a heavy rain that day unimpressively impressively होता है दूसरों को impress करने से unimpressively means impress ना करते हुए we he did his work unimpressively unnaturally unnaturally means natural नहीं है तो इसमें क्या naturally भी होता है इसका naturally भी आ सकता है he is nat he worked naturally Very hard या unnaturally, naturally बहुत hard दोनों आप use कर सकते हो accordingly. Unnecessarily you are making noise. Unnecessarily. Upright ये कुछ words हैं सिर्फ थोड़े से हैं ये वाले. Upright, unbeat, upbeat, upside down, upward ये भी adverbs हैं पर इनके पीछे ly नहीं रखा. Stand upright खड़े हो जाओ ना. अप साइड डाउन ही वॉज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन उल्टा खड़ा होना ना उसको अप साइड अप वार्ड ही वॉज वॉकिंग अप वार्ड द हिल हिल को हिल के ऊपर की तरफ जा रहा था उसके बाद ये लास्ट वर्ड नहीं है यूजफुली वी शुड यूज़ द वर्क वी शुड डू द वर्क यूज़फुल मतलब जो भी काम usefully करना है हमने यूजफुली करना ूजलेसली ही इज क्रिएटिंग नॉइस यूजलेसली या ही इज डूइंगज़ वर्क यूजलेसली यूजलेसली काम कर रहे हैं यूजअली आई यूजअली गो टू स्कूल बाई बस स्कूल कैसे जाते हैं डो रोज जाते हैं ना अटरली अटर् मीन्स कंप्लीटली ही वॉज सै अटरली आई अटरली फॉर गॉड मत कंप्लीटली भूल गया टू ब्रिंग नोटबुक वेकेंटली वेकेंटली शी वॉज सिटिंग वेकेंटली वर्बली द टीचर टुक द टेस्ट वर्बली वेरी ही वर्कड वेरी हार्ड विशियसली विशियस होता है बुरा ही वॉज ट्रैप्ड ट्रैप होता है फस जाना विशियसली विक्टोरियसली विक्ट्री पता है ना जीत विक्टोरियसली ही स्पोक विक्टोरियसली जैसे वो जीत गया हो वायलेंटली वायलेंटली मीन्स बड़े गुस्से से माई फादर स्पोक वायलेंटली विवैशियसली माई सिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन विवैशियसली विवैशियसली का हो गया ना विवैशियसली मतलब बड़ी एनर्जी से बड़ी डायनेमिक तरीके से वलन्टेरिली वनटेरीली होता है अपनी इच्छा से ही स्पोक इन द फंक्शन वलनटैरिली अपनी इच्छा से बोला वो वार्मली वार्मली होता है बड़े गर्म जोशी से बड़ी खुशी से बड़े दिल से आई वेलकम्ड माई फ्रेंड्स वामली वीकली ये कौन सा वीक है बेटा डब्ल्यू ई ए के ये कौन सा वीक है फिजिकली वीक वाला जो सेवन डेज जो वाला वीक नहीं है वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई के होता है ठीक है तो ये वीकली ही वॉज वॉकिंग वेरी वीकली अगर जो सेवन डेज वाला सपोज वीकली आ जाए डब्ल्यू डब्ल्यू ई के एल वाई उसका उसका क्या बनेंगे आवर टीचर टेक टेस्ट वीकली वीकली टेस्ट लेते हैं ना टीचर वियरली वियरली होता है बड़े थके थके से वही ही वॉज वॉकिंग वियरली आगे नीचे वाला छोड़ दो वेल थोड़ा होली होली मीन्स कंप्लीटली है ना ही माई सेंटेंस इज होल्ली करेक्ट पूरा ठीक है ना वाइल्डली गुस्से से भी होता है uh, और वाइल्डली uh, का क्या बन बन जाएगा सेंटेंस माई मॉम स्पोक वाइल्डली गुस्से से बोले विलफुली विलफुली भी अपनी मर्जी से जैसे वलेंटारी uh, विलफुली तो ही डिड ऑल द टास्क विलफुल वाइजली विजडम के साथ समझदारी के साथ माई फादर डज एवरी टास्क वाइजली वंडरफुली वंडरफुली वर्ड है ये तो शी वॉज वंडरफुली ब्यूटिफुल वरिडली वरिड होता है चिंता वरिडली माई मदर लुकड ऐट मी वडली चिंता के साथ ममा कई बार देखते हैं ना हम कोई गलत काम हम बीमार हों या कोई और प्रॉब्लम हो हमारे साथ हमारा काम ना हो रहा हो रोंगली ही स्पोक रोंगली टू मी गलत बोल दिया यॉनिंगली जब हम कभी जॉन करते हैं ना हम खोल के क्लास में कर लेते हो ना कई बार यॉनिंगली इसका मतलब ही स्पोक निंगली इन द क्लास अबासी भी आ रही है और वो बोलते बोलते आ रही है यरली जैसे वीकली मंथली यरली आवर फाइनल एग्जामिनेशन आर हेल्ड यरली आगे यर्निंग नहीं हैडे तो आपको पता ही है पास टेंस का एड वर्व है ही ना हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स एक करी हैं इसकी आगे यूथफुल यूथफुली वही फिर एनर्जेटिकली एनर्जी के लिए यूथ एनर्जी का है तो क्या यूथफुली मीन्स